एक टीनेज फीमेल पेशेंट के चेहरे पे होंठों पे अगर सफेद दाग आ जाए तो उससे पेशेंट के और पेशेंट के घर परिवार के मानसिक स्थिति पे क्या प्रभाव पड़ता है और पेशेंट की दिनचर्या में क्या चेंजेस आते हैं, आज इस वीडियो में हम काया क्लब ग्लोबल के चैनल पे डिस्कस करेंगे। क्या लिप विटिलिगो का ट्रीटमेंट संभव है और यदि संभव है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कितनी जल्दी हमें इलाज शुरू कर लेना चाहिए, यदि इलाज ना करें तो क्या हो सकता है, बीमारी आगे तो नहीं फैल सकती, कहीं और समाज में दिखने वाले हिस्से पे तो नहीं आ सकती। आज की इस वीडियो में हम ये एक पेशेंट टेस्टिमोनियल आपके सामने लेके आए हैं। गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक धवन और मैं हूँ कंसल्टेंट काया क्लब ग्लोबल के यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, आप बिफोर की फोटोग्राफ देखिए, मैं बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। बिफोर की फोटो में आप नोटिस करें, पेशेंट की अपर लिप को देखें और पेशेंट के लोअर लिप को नोटिस करें। देखें, पेशेंट के अपर लिप की जो दांतों के पास वाला एरिया है वहाँ पे सफ़ेद दाग आना शुरू हो चुका है, और नीचे अगर आप लोअर लिप को नोटिस करेंगे तो अंदर वाली साइड पे वहाँ पे भी सफ़ेद दाग आना शुरू हो चुका है। ये एक बहुत ही अलार्मिंग, ये एक बहुत ही कंसर्निंग सिचुएशन है, क्योंकि ये डायरेक्टली किसी से भी बात करते हुए जिस भी इंसान के सफ़ेद दाग होंठ पे आते हैं उनकी एक हैबिट होती है, वो अपने होंठ को ऐसे करते रहते हैं, वो होंठ को छुपाते रहते हैं, वो बार बार होंठ को जीभ से टच करते रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं लोगों से बात करते समय, उनका सारा ध्यान इसी बात पे रहता है कि कहीं वो उनके होंठों को तो ऑब्जर्व नहीं कर रहे। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो डॉक्टर को तभी पता चलती हैं जब वो हज़ारों मरीजों से डेली बेसिस पे बात करता है। ये पेशेंट की जो अंदर की बात निकल के आती है ये तभी हो सकता है जब आप को एक्सपीरियंस हो और आपने पेशेंटों से बात की हो। ये डायरेक्टली ऑनलाइन दवा मंगवा लेने से, अमेजोन पे कुछ मंगवा लेने से, कोई किट मंगवा लेने से, कोई ऑइंटमेंट लोशन मंगवा लेने से ये चीज़ें प्रैक्टिकली सॉल्व नहीं कर सकते। अब मैं आपको पेशेंट की आफ्टर की वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि आप इस चैनल को लाइक करें, आप इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ऐसी बहुत सारी आज की डेट में कम से कम 350 वीडियो मेरे YouTube चैनल पे हैं और हमारे 1,00,000 YouTube सब्सक्राइबर हो गए हैं। हम ये दुनिया का इकलौता ऐसा YouTube चैनल है जहाँ पे विटिलिगो के बारे में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, गाइडलाइंस डाइट के बारे में, रिस्ट्रिक्शंस के बारे में, न्यू रिसर्च के बारे में, न्यू स्टडी के बारे में, पेशेंट की रिकवरीज, क्या खाएं, कौन सी दवाई लगाएं, सारा कुछ हम इस चैनल पे कवर कर चुके हैं। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो। राइट, अब हम आफ्टर की वीडियो देखते हैं। आफ्टर की वीडियो में आप नोटिस करेंगे कि जो ऊपर वाला लिप है उसके अंदर रिकवरी आनी शुरू हो चुकी है। देखिए, लिप और टिप विटिलिगो, लिप्स वाले जो विटिलिगो होते हैं उसको ठीक करने में बहुत समय लगता है, 6 महीने, 9 महीने, 1 साल भी लग जाते हैं। ये नॉर्मल बॉडी पार्ट्स की तरह नहीं है जहाँ पे 3 महीने में 20-25% रिकवरी क्लेम की जा सके। लिप्स वाले विटिलिगो में पेशेंट को बहुत धैर्य बनाए रखना पड़ता है, बहुत मनोबल के साथ इलाज करवाना पड़ता है। लोअर लिप देखें, लोअर लिप में भी आप नोटिस करेंगे कि अंदर वाले साइड में अब रिकवरी आनी शुरू हो गई है। मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ यहाँ साथ में आपके लिए, ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि आप समझें जब किसी व्यक्ति के होंठ पे सफ़ेद दाग आ जाए और वो ठीक हो जाए उनकी पूरी लाइफ ही चेंज हो जाती है। उनके समाज में बाहर जाना, कॉन्फिडेंटली लोगों से बात करना, अपने दोस्तों के बीच में उठना बैठना, ये सारी साइकोलॉजिकल इश्यूज जो वो बेचारा पेशेंट बोल नहीं पा रहा था लेकिन वो फील कर रहा था, वो सारी चीज़ें। सफ़ेद दाग एक सिर्फ स्किन कंडीशन नहीं है, बहुत सारे डॉक्टर्स अभी भी ये सोचते हैं कि ये बस एक स्किन कंडीशन है, कुछ क्रीम लिख के दे देते हैं कि बाहर से खरीद लो, कुछ एक गोली खाने को दे देते हैं कि बाहर से खा लो। इट इज़ नॉट जस्ट अ स्किन कंडीशन, ये इट इज़ ऑल्सो अ साइकोलॉजिकल कंडीशन, जो लोगों को ये बात समझनी होगी आज के डेट। राइट, अब हम जानते हैं कि आखिर इन पेशेंट ने ऐसा क्या किया कि उनको इतनी अच्छी रिकवरी आई। ये थी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है आपको ये बिफोर और आफ्टर की वीडियो से क्लैरिफाई हो गया होगा कि लिप विटिलिगो भी पॉसिबल है, लेकिन टाइम उसको ठीक करने में 9 months to 1 year लग सकता है। आपको पेशेंस बना के रखना पड़ेगा। अपने केस में रिकवरी जानने के लिए फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए कितना खर्चा आएगा, कितने समय इलाज चलेगा, हर एक पेशेंट सेम नहीं होता, हर एक पेशेंट का वाइट स्पॉट डिफरेंट होता है। मैं काफ़ी बार कमेंट स्टडी करता हूं तो लोग आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं कि आपको कितना टाइम लगा, आपको कितना खर्चा आया। दीज आर नॉट राइट प्रैक्टिसेस, बिकॉज मे बी मेरा सफ़ेद दाग सिर्फ इतना सा है, किसी और का इतना बड़ा है, मे बी मेरा सफ़ेद दाग परसों आया है, किसी को 2 साल से है, मे बी मेरा सफ़ेद दाग के ऊपर बाल जो है वो अभी काला है,
किसी और का सफ़ेद दाग के ऊपर बाल सफ़ेद हो चुका है, किसी के होंठ पे है, किसी के फिंगर टिप्स पे है, किसी का सेगमेंटल विटिलिगो है, किसी का नॉन सेगमेंटल विटिलिगो है, किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, किसी को नहीं है बीपी की प्रॉब्लम, किसी के सफ़ेद दाग बढ़ रहे हैं तो किसी के बहुत साल से स्टेबल पड़े हुए हैं। तो हर एक पेशेंट यूनिक है, हर एक पेशेंट का विटिलिगो डिफरेंट है, हर एक पेशेंट का ट्रीटमेंट कस्टमाइज्ड है। इसलिए एक दूसरे से पूछ के ऑनलाइन जाके रिव्यूज़ पढ़ लेने से, स्टडी कर लेने से, अमेजोन से कुछ खरीद लेने से, अमेजोन की रिव्यू पढ़ देने से जो कि फेक होते हैं सबको पता है, आप अपने स्किन के साथ, अपने हार्ड अर्न मनी के साथ प्लीज़ एक्सपेरिमेंट ना करें। नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर लें, 10-15 मिनट आप बात कर लें, फिर आपको जैसा अच्छा लगे आप इस चैनल पे 350-400 वीडियो हमारे पास हैं, आप वो देख सकते हैं और आप खुद से फैसला करें कि आप क्या करना चाहते हैं। लेकिन सफ़ेद दाग एक ऐसी बीमारी है जिसमें कभी भी एक गलत डॉक्टर मिल जाए पूरी जर्नी ख़राब हो सकती है, उस चीज़ से मैं आपको एजुकेट करके बचा के रखना चाहता हूँ। थैंक यू गाइस, माय नेम इज डॉक्टर सम्यक धवन, मिलते हैं अगली वीडियो।